क्वेश्चंस पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के। उससे पहले आपको 2.3 पढ़ाया गया था, आपके सिलेबस को कम किया गया है इसलिए आपके 2.4 को हटा दिया गया है। हम डायरेक्ट 2.5 में आते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व और जितनी नीचे की संख्या है सबका एलसीएम निकालेंगे। तो क्या क्या है नीचे? 2 है, 5 है, 3 है और 4। ठीक है, पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 2, 5 का 5, 3 का 3, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से देते हैं, 2 1 जा सॉरी 1 का 1, 5 का 5, 3 का 3, 2 1 जा 2। अब 5 से देते हैं, 5 1 जा 5, 3 का 3, 1 का 1, 3 से देते हैं 1 1 1 1। हमें तब तक करना है जब तक कि नीचे सब में 1 1 1 ना आए। अब ये जो चीजें आई हैं एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 23 जा 60, तो इसका एलसीएम आया 60। ऐसे करके हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या आया? 60। ठीक है, हमने लिखे एलसीएम बराबर 60। अब ये जो 60 आया है इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ये लिखे हमने 60 एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 ऐसे इक्वल 60। इसको हम मिटा देते हैं। एलसीएम का तरीका आपको पता ही है, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम एलसीएम एक्स प्लस सॉरी एक्स अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन ऐसे करके हम लिख लेंगे। इसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 60 का इसमें भी और इसमें भी। हमने लिखे 60 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस 60 इंटू 1 अपॉन 5। ये हम क्या कर रहे हैं? पैराग्राफ को फोल्ड को बंद कर रहे हैं। 60 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 60 इंटू 1 अपॉन 4। यह ब्रैकेट दोनों तरफ के ओपन। अब हम इनको काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 ऐसे इसको काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इसको काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0 इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कितना बचा? 2 15। ओके, आगे बस समझ में यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ बचा 30 एक्स माइनस 12 इक्वल 20 एक्स प्लस 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्स एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे और नंबर नंबर वाले को एक तरफ कर लेंगे। हमने लिखे 30 एक्स, यहाँ पे ये प्लस में था तो यहाँ आके माइनस में हो गया, माइनस 20 एक्स इक्वल ये 15, यहाँ पे ये माइनस में था तो इधर जाके प्लस पे। आगे बस समझ में आपको इसका आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 30 एक्स में से 20 एक्स गया तो आया 10 एक्स इक्वल 15 में 12 को जोड़े तो आया 27। अब x और 10 यहाँ पे काय में है इनटू में, जब वो दूसरी ओर जाएगा तो काय में आएगा डिवाइड में आएगा। तो ये x को हम यहीं छोड़ दिए, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आया तो डिवाइड में आया। ठीक है, अभी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो यही हुआ इसका आंसर। आगे मैं समझ में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो नीचे की संख्या है सबका एलसीएम लेंगे, जो मैंने अभी आपको करके बताई थी उस तीनों का चारों का एलसीएम क्या आया था 6। जो भी एलसीएम आएगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटू करेंगे, राइट हैंड साइड में भी इंटू करेंगे। तो हमने लिखे 60 कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल ये 60 x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। अब क्या करें? हमने यानी सेम में कोष्टक को खोल दिए, ओपन कर लिए, तो 60 का एक बार इसके साथ इंटू हुआ और 60 का एक बार इसके साथ इंटू हुआ, 60 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस 60 इंटू 1 अपॉन 5। 60 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस 60 इंटू 1 अपॉन 5 इक्वल ऐसे इस इधर भी करेंगे 60 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 60 इंटू 1 अपॉन 5। फिर सबको हम काट देंगे, ऐसे 2 को 60 से काटे 30 आया, 5 को 60 से काटे 12 आया, 3 को 60 20 आया, ऐसे यहाँ पे 15 आया। जो जो बचा हम 30x माइनस 12
ट्वेंटी एक्स माइनस फिफ्टीन, अब एक्सएस वालों को एक तरफ करेंगे थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स इक्वल फिफ्टीन प्लस, यह माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हुआ, ये प्लस में था तो इधर जाके माइनस में हुआ, थर्टी एक्स में से ट्वेंटी एक्स गए तो टेन एक्स आया, प्लस फिफ्टीन में ट्वेल्व को जोड़े तो ट्वेंटी सेवन आया। ठीक है, हमको सिर्फ एक्स का मान चाहिए, यहाँ पे इंटू में है तो इधर जाके डिवाइड में होगा, एक्स इक्वल ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन, ये हुआ इसका आंसर। इसका सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स हम खुद करेंगे और उनके मान लेके आएंगे, इसके आगे के क्वेश्चन में आपको बाद में सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट।